चारों तरफ तो अपने बहुत इंसान देख रहे हो, इंसान ही इंसान, मनुष्य ही मनुष्य। लेकिन मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो धर्म के रास्ते पे चले और दूसरे वो जो अधर्म के रास्ते में चले। अब अधर्म के रास्ते में चलने वाले भी दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो असुर होते हैं, असुर वो जो शैतानी होते हैं, जो ईवल होते हैं, जो इबलिसी होते हैं, और दूसरे वो जो राक्षस होते हैं, जो होते हैं इबलिसी शैतान, लेकिन वो अपने ज्ञान से अपने इतना कुछ जान जाते, इतना कुछ पढ़ लिख लेते हैं, जो वो अब दूसरों के ऊपर वो थोपते हैं, वो होते हैं राक्षस। ये दोनों ही अधर्म अधर्मी होते हैं। और जो दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, जो धर्म के रास्ते पे चलते हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार के क्या, एक वो जो जीते हैं धर्म के रास्ते पे, जिन्हें हम मनुष्य कहते हैं, और जो मनुष्य जो धर्म के रास्ते पे चलते हुए वो ऐसे चीज दुनिया में दूसरे मनुष्य के लिए छोड़ के जाते हैं। जैसे भगवान है, वो तो कुछ क्रिएट करते हैं, वो कुछ बनाते हैं, कुछ अच्छा बनाते हैं, जो धर्म जिसपे जिससे लोगों के अंदर धर्म के ऊपर आस्था हो, धर्म के रास्ते पे चलने में उन्हें सुविधा हो। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो होते हैं परमात्मा, जो भगवान तुल्य होते हैं। वो कुछ ऐसा दुनिया में मरने से पहले रख छोड़ जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं ना, मेरा जो फॉर्मूला है, लाइफ इज इक्वल टू लिव प्लस लीव। लिव माने मनुष्य, लीव माने भगवान।